बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक सतरंगी फूड चैनल सरगोदा। और मैं हूं आपकी दोस्त मीना तारिक। कैसे हैं मेरे सब दोस्त, मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। तो चलें जी, बहुत ही सस्ते बजट में, बहुत ही लो बजट में बनाएंगे हम पोटैटो बाइट्स। और इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 3 से 4 अदद, और इनको मैंने उबाल के इस फोक के साथ बहुत बारीक सा मैश कर लिया है। और इसके साथ है मेरे पास ये रेड कलर की शिमला मिर्च है, और ग्रीन चिली एक सब्ज़ मिर्च है जिसे मैंने चॉप किया है, और ये है एक प्याज, और ये है 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, और ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्स। और स्पाइसेस में है मेरे पास ये पिसा हुआ ज़ीरा है, लाल मिर्च है, नमक है, और साथ में साबुत धनिया पाउडर। और ये सबसे पहले मैं डालूंगी ये सारी चीज़ें आलू के अंदर। ये देखें, क्रम्स डाल दिए, और अब मैं डालूंगी इनके अंदर ये सारे ये आप चाय के साथ बना सकते हैं, और इनको सेव भी कर सकते हैं। देखिए, हसबे जायका खुश्क धनिया पाउडर है, और साथ में है नमक, सब्ज़ मिर्च भी है, थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ी सी काली डाल दूंगी। ये है ज़ीरा पाउडर, और ये रही काली मिर्च। चले जी, इन सब को मैंने मिक्स करना है बहुत अच्छा सा। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है, और ये देखें 3 से 4 अदद जवे हैं लहसुन के, बारीक कूटा है मैंने इन्हें। और अब मैं इनको भी इसके अंदर ही बहुत अच्छा सा मिक्स करूँगी। लहसुन के बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी हम बना रहे होते हैं तो उसका जो टेस्ट, इसकी खुशबू है, वो तो वैसे ही सबको पागल कर देती है। इतने मज़े की चीज़ें बनती हैं लहसुन में। ये देखिए, बहुत अच्छा, बहुत स्टिकी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये नरम भी नहीं है हमारी डो, ये देखें। और अब मैं इसमें से आधा बैटर लूँगी बाइट्स के लिए, और आधा जो है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ मैंने इससे क्या बनाना है, इसको साइड पर करूँगी। और अब मैं देखें हाथों के ऊपर ऑयल लगा दूँगी अपने। ये देखते जाइए, इसको भी मैं हाफ कर लूँगी ताकि आसानी से हमारा ये रोल हो सके। तो ये देखें, मैंने इतने इतने साइज़ में ये मैंने 3 रोल बना लिए हैं सिलेंडर से। और अब मैंने ये देखे हैं, इसके ऊपर भी मैंने ऑयल ग्रीस किया है नाइफ़ के ऊपर, और तकरीबन 1 इंच का बाइट हमें काटना है इस तरह करके, बहुत प्यार से, बहुत ही एहतियात के साथ। ये देखे, मैंने बाइट्स जो हैं वो काटे हैं, और थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाएं तो कोई मसला नहीं, हम इनको शेप्ड कर सकते हैं इस तरह से, हाफ फिंगर्स की हेल्प से कर सकते हैं। और इसी तरह देखें, मैं रखती जाऊंगी। ऑयल मैंने गर्म किया हुआ है स्लो, देखें। इसी तरह मैं दूसरे सारे भी डालती जाऊंगी। ये देखें, बहुत ही मज़े के बाइट्स बन रहे हैं, और मैं इनको साथ साथ डिश आउट कर रही हूँ क्योंकि कुक हैं ये। और बस इनको हमने थोड़ा क्रिस्पी टाइप करना है, कलर देना है इनको। ये
ये जो रह गए हैं मैं इनको भी इसी तरह निकाल लूँगी कलर देने के बाद। तो ये देखें जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे बहुत ही मज़े के बिल्कुल लो बजट में पोटैटो बाइट्स। ये देखें इनको हम करेंगे साइड पर और हम दूसरी चीज़ ट्राई बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी जो हमारा आलू का डो थी बैटर था ये मैंने बचाया था ये वो है और मैंने ले लिए हैं दो स्लाइस। इसको मैंने इधर से कट कर लिया था बाकी मैंने इसी तरह रहने दिया और अब मैं इसको लेके पूरे स्लाइस पर इसी तरह स्प्रेड करूँगी बहुत अच्छा सा इसको फैला देना। देखिए कितना ज़बरदस्त जुड़ता जा रहा है। ये ब्रेड के स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनते हैं पोटैटो ब्रेड स्नैक्स। चलें जी देखें मैंने दोनों स्लाइस जो हैं आलू के बैटर से स्प्रेड कर दिए हैं और अब मैं सेंटर से इनको देखें कट कर रही हूँ इस तरह से दो पीस हो गए इसको भी कर लूँगी। और ये है मेरे पास अंडा जिसको मैंने फेंट लिया है और ये है साथ में मेरे पास ब्रेड क्रम्स। ये देखें मैं इसको इस तरह अंडे में करूँगी डिप करूँगी और साथ ही मैं इसके ऊपर ये स्लाइस लगा दूँगी सॉरी ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको प्रेस भी करूँगी ताकि ये ऑयल के अंदर फिर नहीं गिरे थोड़ा सा मैं ज़रूर करती हूँ ताकि ये देखिए मैंने सबसे पहले ये आलू की साइड नीचे करनी है। ये देखें बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ कुक है। ये देखें इसको हम निकाल लेंगे ये हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह मैं दूसरे भी फ्राई करूंगी। तो चलें जी ये सारे के सारे हमारे ब्रेड स्नैक्स रेडी हो गए हैं पोटैटो से और इनको हम रखेंगे इधर साइड पर। ये देखें कि बन गए हैं बहुत ही प्यारे बहुत ही मज़े के। और अब देखें मेरे पास फिर भी थोड़ा सा बैटर बाकी है इससे मैं क्या बनाऊंगी अभी आपको बताती हूँ। ये देखें मैंने सबसे पहले दो स्लाइस लिए हैं इनके भी मैंने ये सिरे इधर थे इनको मैंने कट कर दिया है और अब मैं बेलन की हेल्प से इनको बेल दूंगी पतला करूंगी इनको। तो ये देखें मैं ये रख रही हूँ बिल्कुल सेंटर में और मैं इसके किनारों पर पानी लगा दूंगी इधर भी चारों तरफ लगाऊंगी। बस इसे उठा के मैं इस तरह फोल्ड कर दूंगी बहुत अच्छा सा। ये देखें दोनों तरफ से ये बंद हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इनको इस तरह रोल की शेप भी दे सकते हैं इस तरह करके। ये देखें ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको कट कर देती हूँ ताकि सिरे अच्छे से जुड़ जाएं। ये देखें इधर के सिरे भी पानी से मैंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और ये देखें अंडा है मेरे पास जो पड़ा हुआ और ये है ब्रेड क्रम्स।
देखें ऑयल में डाल दूँगी मैं इनको। इनको भी हमें बहुत प्यारा कलर देना है। अब मैं दूसरा भी इसी तरह रेडी करूँगी रोल करके। तो ये देखें जी, ये लास्ट वाला है हमारा रेड रोल। तो तैयार हैं जी हमारे बहुत ही मज़े के, एक ही फिलिंग से, एक ही डो से पोटैटो स्नैक्स हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, और जो चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।